लक्ष्मी सरोजस्थितं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला राशि वालों के लिए सितंबर का मध्यकाल ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट समय, महत्वपूर्ण समय आरंभ हो रहा है सितंबर का मध्यकाल जो है, इसमें बड़े दिव्य मुहूर्त रहेंगे, असंभव को संभव बनाने वाला काल रहेगा, ये समझ लीजिए। 18 तारीख को चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि में जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं, उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की जरूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख की यदि हम बात करें 19 सितंबर के बारे में, तो बृहस्पतिवार का अवसर और इस दिन द्वितीया तिथि है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो गई थी, पूर्णिमा के अगले दिन थोड़ी देर रहने के बाद द्वितीया प्रतिपदा क्षय हो गई, द्वितीया आ गई और द्वितीया का श्राद्ध भी इस दिन किया जाएगा, यानी 19 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध रहेगा, दूज का जो श्राद्ध रहेगा। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए, आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है तो आपके लिए अच्छा रहेगा और वो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चों से बचना चाहिए। राहु और गोचर में जिस प्रकार चंद्रमा की युति होकर ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मंगल की युति जिस प्रकार से बृहस्पति जो चल रही है इस वक्त भाग्यस्थान में, वो आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, लेकिन थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं उदासीनता परेशान करती दिखाई दे, और ऐसे में सबसे श्रेष्ठ है कि अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करना चाहिए आपको, वो आपके लिए सब प्रकार से मनोमस्तिष्क को भी ठीक करने वाला रहेगा। चावल का दान, दूध का दान और ये सब चीज़ें अच्छी हैं, आपके लिए करना चाहिए। 20 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर और तृतीया तिथि है, तृतीया का श्राद्ध उस दिन रहेगा, साथ साथ भद्रा का योग भी दिखाई दे रहा है जो करीब करीब सुबह 10:57 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9:15 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन के योग बना रहे हैं, मेष राशि में सुबह 5:14 पर ये परिवर्तन करने के योग बनाएंगे और ये आपके लिए अच्छा नया उम्मीद, नया कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी रहेगी, जो कुछ दिन से थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा था, थोड़ा सी इमोशनल सैडनेस थी और उसमें इम्प्रूवमेंट का योग चंद्रमा यहाँ अद्भुत रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का अवसर है, महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं तो आप श्रद्धा के साथ भगवती की उपासना अवश्य करने का प्रयास कीजिए। महालक्ष्मी का व्रत संपूर्ण मनोतों को सिद्ध करने वाला है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी का व्रत यदि ढंग से, केवल व्रत नहीं, व्रत तो केवल हम समझ लेते हैं, व्रत का वास्तविक अर्थ होता है उपवास। उपवास यानी व्रत तो खाली भूख हड़ताल के रूप में हमने उपस्थित कर लिया है, खाना नहीं खाना है, बस यही व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आप समझे यदि आप खाना ना खाएं और भूखे बैठे रहें तो माता पिता प्रसन्न होंगे या उनका खून जलेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो व्रत का अर्थ कुछ और है, व्रत का अर्थ है उपवास, यानी जहाँ रह रहे हैं उससे हटे, कहीं ऊपर चले, तो भगवती का के निमित्त ये वास किए, व्रत करने का जो है विषय है वो वास्तविक तौर पर उपवास है। माँ भगवती के सानिध्य में जाकर 16 दिन तक नित्य प्रति उनका जप, मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि करने से, जो हम विधि बताने जा रहे हैं आपको, उसको समझ लीजिए, देखिए कैसे न कृपा हो,
फिर हम गारंटी देंगे आपके लिए बिल्कुल अवश्य कृपा होगी, अवश्य रास्ता बनेगा। विधि विदु शास्त्र में वर्णित है का बिल्कुल संपादित सही सही रूप से करेंगे तो मनोकामना सिद्धि का योग बन ही जाएगा। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी के जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी, भगवान विष्णु की मूर्ति जितनी भी मूर्ति देखी जाती है उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर तो भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर में रखा छाती पर, भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दुष्टता क्षमा करें, महाराज भृगु आए और भक्त आए और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी, उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्य प्रति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्य प्रति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है, आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती विधि नहीं जानते हैं, यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवत भगवान कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हजारों लोगों पर हजारों लोगों के माध्यम से हजारों बार इस प्रयोग को करके देखा है, भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, इससे अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण पितृ ऋण मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पर लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर, दोष नहीं होता ऋण होता है, दोष नाम की चीज पितृ दोष जैसी कोई चीज शायद पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं, पितरों से पितर आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है,
किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा, इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं, लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं है, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र पिता माता जो पितर थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे कुछ नहीं। श्रद्धा का समर्पण है, श्रद्धा श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है, खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है, बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है, आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस पूर्ण संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये जरूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी गांव के, गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए, और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने की, वो उसमें तो केवल तिल चावल जौ और जल इसकी अपेक्षा है, और श्राद्ध में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें, बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है, और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्यपति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितर हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए, कुछ किसी को गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के हलिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त, बस इतना ही बहुत यदि कर सके, गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर, हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की सबकी सुंदर, ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे सबस्क्रीन पर फोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं, और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि अपेक्षा, यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृदोष हो गया, पितृदोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें, कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं पूर्ण संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे, तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पर सुंदर यज्ञ गायत्री का ही है रहेगा, और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।